खबरों में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर एसएसपी के आदेश पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान का जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रिजवान अंसारी लाइव जुड़ चुके हैं। रिजवान, वाहन चेकिंग अभियान का बुलंदशहर के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए राणा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली सटे उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जो एसएसपी हैं वो संतोष कुमार सिंह है। वो वाहन चेकिंग अभियान चला रखा, पूरे जोरों पर चला रखा। सुबह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, दोपहर में चलाया जाता है, देर रात चलाया जाता है वाहन चेकिंग अभियान। लेकिन इस वाहन चेकिंग अभियान को लेकर जो है जनपद बुलंदशहर की जनता खासा नाराज है, और उसकी नाराजगी की मेन वजह यह है कि आम पब्लिक का तो चालान बहुत बड़ी राशि का काट दिया जाता है। किसी का 2000 का, किसी का 5000 का, किसी का 9000 का, किसी का 11000 का, किसी के 16000 रुपए का चालान काट दिया जाता है। बड़े बड़े कमजोर, बड़े बड़े गरीब लोग हैं जिनके पास स्कूटर कीमत सबली ही 5000 रुपए है, मोटरसाइकिल कीमत सबली 25000 रुपए है, लेकिन 21000 रुपए के चालान, 7000 रुपए के चालान काट दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है जो जनता में खासा रोष देखा गया, मेन वजह यह है कि पुलिस के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो एसएसपी साहब के अधीन हैं, जैसे उसके अंदर दरोगा हुए, सिपाही हुए, दीवान हुए, ये और भी हैं, वो गाड़ियाँ चलाते हैं, जीप चलाते हैं, जिप्सी चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट के चलाते हैं, उनका चालान नहीं काटा जाता है। मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर बिना हेलमेट के होते हैं, उनका चालान नहीं काटा जाता है। इसको लेकर जनपद बुलंदशहर की जनता में खासा रोष है। रिजवान, बुलंदशहर में आए दिन लूट, डकैती, वाहन चोरी के मामले देखने को मिलते हैं। वहीं पुलिस जनता की सुरक्षा को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाती है, फिर भी बुलंदशहर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक सवाल जनपद बुलंदशहर का है, जनपद बुलंदशहर में चोरी की, डकैती की, लूट की, हत्या जैसी कई काफी वारदातें हुई हैं। लेकिन जनपद बुलंदशहर के तेज तरार एसएसपी द्वारा उन सभी घटनाओं का खुलासा किया गया है। उन सभी घटनाओं को रोकने के लिए जहां वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी पुलिस को बदनाम करने के लिए जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। वाहन चेकिंग के नाम पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, और जो चालान नॉर्मल 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये काटा जा सकता है, पुलिसिया अपनी एंड दिखाकर उसको 11000 का, 8000 का, 7000 रुपए का चालान काटा जा रहा है, जिसको लेकर जनता नाराज है। रिजवान, जनता के इस विरोध को लेकर पुलिस क्या कुछ कहती नजर आई है? देखिए, पुलिस का कहना यह है कि जनता तो विरोध करती है, जब भी पुलिस अच्छा काम करती है तो भी विरोध करती है। पुलिस तो अच्छा काम ही करती है, और चेकिंग निरंतर की जा रही है, अच्छी तरीके से की जा रही है, कोई भेदभाव नहीं रखा जा रहा है, सभी के साथ चेकिंग की जा रही है, और जो जिस तरह का चालान होता है उस तरह का भरा जाता है। जिनके पास कागज़ नहीं होते उनके बड़े चालान कर देते हैं, जिनके पास कागज़ होते हैं उनका छोटा चालान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता तो खामखा नाराज़ हो रही है। शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।